प्रदेश में सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाने की घोषणा के बाद अब लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। वे सरकार के इस कदम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। फरीदाबाद के टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि जिले में 49 सरकारी सेंटर पर मुफ्त टीकाकरण का काम जारी है। इसके अलावा जो भी संस्थाएं वैक्सीनेशन कैंप लगाने का आग्रह करती हैं, वहां पर भी वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 49 सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर डेली पहले से ही लगते आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी वॉलेंटियर, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल जहां भी चाहता है, हम वहां लगाने के लिए तैयार हैं। प्रिकॉशन डोज लगवाने आए लोगों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वे अब अन्य लोगों को भी ये डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। बूस्टर डोज लगाया, तीसरी बूस्टर डोज, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्री में कोवैक्सीन हमने लगवाया है बूस्टर डोज तक, और इससे हमें कोरोना में बहुत सारी चीज़ राहत मिलती है। ये बूस्टर डोज मैं लगवाने आया हूँ। पहले मैं अपनी लगवा के गया, मेरे बच्चों को हैंडीकैप हैं और ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में इन्होंने फैसिलिटी दी है, वहीं आके लगाया है। बूस्टर डोज लगवाई है क्योंकि कोरोना के लिए ज़रूरी थी कि उसके हम लड़ पाएँ कोरोना से। लोगों से भी अपील करेंगे हम ये इसको लगवाएं ताकि हम कोरोना से लड़ पाएँ।